चलते हैं थोड़ा शुरू से। हेलो, दिस इज मावी नदीम। हेलो, माय नेम इज अब्दुल मालिक। हेलो, माय नेम इज मूसा अब्बासी। कहानी को लेके चलते हैं थोड़ा शुरू से। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, प्लेयर्स, बूट कैंप, पॉडकास्ट और एक गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह कम्युनिटी में आना, इस सब के पीछे एक बंदे का विजन था जो हर चीज को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था। Who was always degenerated, misunderstood by the people. तो वो हर चीज को डिफरेंटली लेके चलता। Back in 2019, PUBG मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी में एंटर कर चुकी थी और बाकियों की तरह हम भी बंदूकें लेके बॉर्डर पे पहुंच गए और हर कोई PUBG खेल रहा था। 2020 कोविड में दिन रात PUBG खेलने के बाद प्रोफेशनल सा फील हो रहा था। फिर 2021 आ गया, जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो लाइफ केम बैक टू नॉर्मल और सब अपने काम वगैरह में बिजी हो गए, तो PUBG का शौक दिल से उतर गया था। रेंचो गेम के साथ जुड़ा रहा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, रमजान में हम सहरी के टाइम बैठे हुए थे, बंदे की कॉल आती है एंड ही सेज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पॉन्सरिंग अ PUBG टीम। हमने बोला लो भाई, एक और एक्सपेरिमेंट। जब तक हम कुछ सोचते, वो एक कंपनी रजिस्टर्ड करा चुका था बोर्ड गेमिंग के नाम से। तब हमें लगा यार बंदा सीरियस है, तो इस बारे में अब कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा। Within no time हर चीज स्टार्ट हो चुकी थी और सबसे पहले जो चीज आई वो थी स्टूडियो। Our first project was the podcast. पॉडकास्ट के लिए सबसे पहले स्टूडियो चाहिए था, लाइट्स, पीसी, कैमरास, वीडियोग्राफर जिसको पूरी पॉडकास्ट शूट करने का पता हो। So we got done with it in no time. We had a great first season. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे PUBG मोबाइल के लेजेंड तुम्हारे पास आए। And Khizr did a great job as a host. याद रहे, in all this story, there is a vision, and the vision is to bring esports Pakistan into the light, into the spotlight. Season 1 की रिकॉर्डिंग खत्म होते ही हमने अपने प्लेयर्स को लाना था बूट कैंप में। अब बूट कैंप इज अ प्लेयर जहाँ सारे प्लेयर्स आके एक साथ रहते हैं और PUBG के टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं, जिस तरह PMPL वगैरह और सारे स्क्रीम्स वगैरह, इस तरह सारे साथ मिलके प्रैक्टिस करते हैं और टूर्नामेंट्स खेलते हैं बड़े। अब इधर एक बात समझो आप, बूट कैंप सिर्फ प्लेयर्स की रहने की जगह नहीं होती, इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम फॉर द प्लेयर्स। बूट कैंप ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट इवेंचुअली वी फाउंड इट। The right place for the players. और next step जो था players को लेके आना, players की families को इस बात के यकीन दिलाना कि वो बच्चे हमारे साथ safe हैं। एक 16-17 साल के player को boot camp में लेके आना और वो अपने parents से दूर, ये boot बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा मसला था पर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी responsibility। They left their schools, they left their families और वो सब boot camp shift हो गए। Eventually it all went good. Are you planning for boot camp? हमें लगता था कि प्लेयर्स के लिए अपने कंफर्ट जोन में आके एक नई जगह पे खेलना बहुत मुश्किल होता है, बट वी गॉट सम ग्रेट हेल्प इन शेप ऑफ हाशिम AKM7। ही फिगर्ड आउट एवरीथिंग वेरी फास्ट, प्लेयर्स के खाने से लेके उनकी रूटीन, उनका सोना जागना, उनकी डाइट एंड ऑल, M7 इज प्रोवाइडेड। नो वन कैन डू जॉब बेटर देन हिम। ऑल दीज थिंग्स वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ सम गुड पीपल वी फाउंड अलोंग द वे। सीज़न 1 बोर्ड गेमिंग पॉडकास्ट डन, बूट कैंप आप देख चुके, अगले प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस होगा। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।